सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन और मैं हूँ मौलिका शर्मा। कहते हैं सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना ही कर सके गुरु करे सो होए। गुरु ही है जो हमें राह दिखाता है, हमारे मार्ग प्रशस्त कराता है, हम अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और एक ऐसे ही विद्वान, एक ऐसे ही गुरुश्री लगातार इस कार्यक्रम के जरिए, कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ भी जुड़े रहते हैं, जिनसे जुड़ना हम अपना परम सौभाग्य समझते हैं, जो हमें न्यूमरोलॉजी जुड़ी अद्भुत जानकारियां देते हैं। न्यूमरो वास्तु के फाउंडर नितिन गुप्ता जी आज फिर से शुभारंभ करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम का, बात करेंगे नितिन जी के साथ। नितिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नितिन जी, जो भी प्रश्नों के उत्तर हमें दे, हमारी समस्याओं का समाधान करे, वो गुरु ही है, क्योंकि हमें राह दिखाता है, हमें बताता है कि क्या हमारे जीवन में उचित है और क्या अनुचित। आप क्या कुछ विशेष करेंगे गुरु के संदर्भ में? मौलिका जी, गुरु एक बहुत ऊंचा पद है, मैं नहीं जानता मैं उस पद के योग्य हूँ कि नहीं, लेकिन हाँ, जो हमारा अपना रिसर्च वर्क है न्यूमरो वास्तु का, ओंकार थ्योरी, और जो हमारा रिसर्च वर्क है उसके आधार पे ये ज़रूर प्रयास है कि समाज को, सारे व्यक्तियों को, हम एक बेहतर जीवन की परिकल्पना को साकार कर पाएँ, लोग ये समझ पाएँ कि उनके जीवन में नंबर्स का, उन वाइब्रेशंस का क्या रोल है, कैसे वो इन्फ्लुएंसेस, वो प्रभाव उनके जीवन को प्रभावित करते हैं, उनके सिचुएशंस को, जो जीवन वो जीते हैं वो किस तरह से उसकी रचना होती है, और उस जानकारी, एक बार वो समझ जाए उस नंबर वाइब्रेशंस को, तो कैसे उसका जानबूझ के उसका उपयोग कर सकते हैं कुप्रभावों को, और जो अनडिज़ायर्ड है, जो अवांछनीय है, उसको हटाने के लिए, और जो डिज़ायर्ड है, जो चाहत है, उसको पूरा करने के लिए उनका यूज़ कैसे करा जाए, ये एक हमारा प्रयास है। आपका, जैसा कि आज जो हमारी चर्चा होगी दो अक्षर से जुड़ी हुई होगी, तो हम चाहेंगे दो अक्षर के जातक या फिर जातिकाएं किस व्यवहार के होते हैं, जैसा कि हम लगातार आपसे पूछते हैं, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक तौर पर किस प्रकार के होते हैं, विस्तार पूर्वक आज आप हमें बताएं। जी मालिका जी, दो नंबर के व्यक्ति जो हैं, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो डिजिट्स आते हैं वो दो होता है, या फिर किसी और कारण से भी ये वाइब्रेशन पैदा होती हैं, और वो वाइब्रेशन इंसान की पर्सनैलिटी पे, उसके व्यक्तित्व पे, उसके चेहरे पे, उनके पहने ओढ़ने के ढंग पे, उनकी पूरी फिजिकल अपीयरेंस पे नज़र आती है। तो दो नंबर को कोई भी व्यक्ति है, उनकी सबसे पहली विशेषता तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, उनका स्वभाव एक्सट्रोवर्ट नहीं है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है। आप उन लोगों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो चला के कोई बात बोलेंगे, ज़्यादा टॉकेटिव होंगे, लेकिन हाँ, वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशनल पावर बहुत ज़्यादा है। कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई काम करना है, तो उससे संबंधित सारे आस्पेक्ट्स पे, उसके जितने भी पहलू हैं, उन सब के ऊपर उनकी दृष्टि जाती है, सब चीज़ों को वो ध्यान में रखते हैं, और उस सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद किसी कंक्लूजन पे, किसी निर्णय पे पहुंचते हैं। तो ये लोग एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करते हैं बाकी सभी नंबर्स के लिए, किसी को भी मदद की ज़रूरत है तो दो नंबर एक ऐसी वाइब्रेशन है, दो नंबर का व्यक्ति जो सबकी मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता है, और निस्वार्थ भाव से। दो नंबर की वाइब्रेशन वाले व्यक्ति कभी भी बदले में कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, या उनको नाम कमाने की चाह होगी, वो ये सोचेंगे कि हमें क्रेडिट मिले किसी बात का कि हमने ये काम किया है, ऐसी चाह उनके अंदर नहीं होती। वो केवल लोगों को, एक जैसे एक माँ होती है निस्वार्थ भाव से अपने बच्चे को करती है, या किसी भी बच्चे को वो एक निस्वार्थ भाव से उसको सेवा करेगी, उसका, उसकी हेल्प करेगी, वैसी ही टेंडेंसी दो नंबर में होती है। तो इमोशनल टेंडेंसी होती है, धार्मिक भी होते हैं बहुत ज़्यादा, मन से गॉड फेयरिंग भी होते हैं। जैसा मैं पहले भी कह चुका कि गॉड फेयरिंग होने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि इंसान रिचुअलिस्टिक हो, कर्मकांड में अपना जीवन करे। तो दो नंबर के व्यक्ति जो हैं वो अगेन इस बात में, उनकी जो मूल उनका फिलॉसफी है, मूल वाक्य ये है कि दूसरों की सेवा अगर हम करेंगे तो वो सेवा परमो धर्म, जो ये शब्द है, ये उनके लिए पूरा खरा उतरता है। मेमोरी बैंक की तरह होते हैं दो नंबर के व्यक्ति, बहुत सारी अच्छी मेमोरी होती है, पुरानी बातें भी याद रखते हैं, और जो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, कोई भी घटना हुई है वो सब उनको याद रहेगी, जैसे मैंने कहा सारी आस्पेक्ट्स पर उनकी नज़र जाती है। तो एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता ऐसे व्यक्तियों के अंदर होती है। तो ये दो नंबर की मूल विशेषताएं हैं। आर्थिक पक्ष कैसा होता है इन लोगों का? अगर मैं प्योर दो नंबर की बात करूं मालिका जी, तो आर्थिक पक्ष थोड़ा सा कमज़ोर होने की चांसेस रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मन डामाडोल रहता है। दो नंबर की जो प्योर वाइब्रेशन है, जो सिर्फ दो नंबर की हम बात करें, तो वो डिसीजन मेकिंग क्षमता नहीं होती।
आज के जीवन में लाइफ का पेस इतना फास्ट हो गया है, ज़माना इतनी तेज़ी से आगे जा रहा है, इतनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं कि डिसीज़न मेकिंग पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है पर्सनैलिटी का। दो नंबर का व्यक्ति डिटेल तो बहुत अच्छी कर सकता है, तुलना अच्छी कर सकता है, जो बेंचमार्किंग होती है, एनालिसिस होता है, विश्लेषण, वो बहुत अच्छी क्षमता है, लेकिन डिसीज़न मेकिंग खुद से कर पाने में थोड़े से कमज़ोर पड़ते हैं और इसके लिए वो दूसरों का सहारा ढूंढते हैं। तो इसलिए अगर वो उस आस्पेक्ट को ठीक कर लें अपना, तो आर्थिक पक्ष भी उनका मजबूत हो सकता है, और अगर अपने दो नंबर से रिलेटेड काम में, व्यवसाय में, उस फील्ड में काम करेंगे तो उनका आर्थिक पक्ष डेफिनेटली अच्छा हो जाता है जी। और अधिक जानकारियाँ जरूर लेंगे, लेकिन पहले कॉल लेना चाहेंगे। नितिन जी, हमारे साथ संगीता जी जुड़ी हैं, जयपुर से हैं। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, बताएं क्या प्रश्न, क्या सवाल है आपका? हाँ जी नितिन जी, नमस्कार। मेरा सवाल है, मेरा बर्थ डेट है 10/4/1979 और मेरे हस्बैंड की बर्थ डेट है 12 जनवरी 1979। मेरे दो सवाल हैं, एक तो ये कि मैरिड लाइफ को ज्यादा हैप्पीनेस से भरने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, और दूसरा, जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकती हूँ जी? बताएं नितिन जी, इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 10/4/1979 और हस्बैंड की बताई है 12/1/1979 12/1/1979 ओके। संगीता जी, पहले मैं आपके रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन को एड्रेस करता हूँ। आपने जो डेट ऑफ बर्थ अपनी बताई है, अपने और अपने हस्बैंड की, वो डेट ऑफ बर्थ में आइडियल कंपैटिबिलिटी रिफ्लेक्ट नहीं होती है। हम लोगों का एक 5-पॉइंट कंपैटिबिलिटी एनालिसिस रिसर्च वर्क है, उसके आधार पे हम बात करें तो आइडियल कंपैटिबिलिटी नहीं है। आप लोगों की रिलेशनशिप में कई ऐसे मौके हैं जहाँ पर आपका और आपके हस्बैंड का विचारधारा बिल्कुल अलग हो जाती होगी और आपस में मेल नहीं खाती है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि अपने घर के दक्षिण पश्चिम दिशा से कभी भी गलती से भी कोई पूजा का सामान या भगवान के चित्र, कोई भी इस तरह का रिलीजियस कोई सामान हो, वो बिल्कुल भी ना रखें। ऐसा रखने से घर की जो शांति है और जो घर का माहौल है वो डिस्टर्ब होने के चांसेस बनेंगे। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट की दिशा से कोई भी कूड़े का सामान, कोई क्लीनिंग एड्स, झाड़ू पोंछा या वाइपर, इस किस्म की जो क्लीनिंग एड्स हैं, या आपने कोई वहाँ पे ख़राब सामान अपना ऐसे जनरली स्टोर कर रखा है, स्टोरेज बना रखी है, वो भी आपको नहीं रखना चाहिए। इन दो बातों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और इसके साथ ही साउथ वेस्ट दिशा से और नॉर्थ ईस्ट दिशा दोनों से यदि गुलाबी रंग या लाल रंग वहाँ पे किसी रूप में है, जैसे लोग नॉर्मली मंदिर के अंदर लाल कपड़ा बिछा लेते हैं, तो यदि आपके घर में भी ऐसा है तो आपको वो हटा लेना चाहिए इन दोनों दिशाओं से, तो शादीशुदा जीवन बेहतर होने की संभावना बिल्कुल बन जाएगी। इसके साथ ही अपनी जो शादीशुदा आपके जो जीवन की एक फ़ोटोग्राफ है शादी के समय की, या किसी भी अच्छे समय की, आप खुशनुमा फ़ोटोग्राफ दोनों का चेहरा हो उसमें, ऐसी फ़ोटोग्राफ अपने घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में, उस दिशा में पश्चिमी दीवार पर आप लगा लें, तो ये आपके संबंध को बेहतर बनाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका करियर के संबंध में, और आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 10/4/1979 जी। तो करियर आपका, ये जो उपाय मैंने बोले हैं संगीता जी, यही उपाय आपको करियर में भी मददगार होंगे। आपके घर के इन दिशाओं में अगर कुछ इम्बैलेंस है तो वो दोनों जगहों पे डिस्टर्बेंस देगा। आपके पर्टिकुलर करियर में आपके स्वभाव, जो बर्थ डेट से आपका स्वभाव रिफ्लेक्ट होता है, वो डिसीजन मेकर का स्वभाव है, और वो मतलब जो अपनी बात को चेंज ना करे इस तरह का स्वभाव है, जो भी बात एक सोची है उसी पे एडमिट रहने का स्वभाव है। तो व्यापार में, बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की लाइफ में ज़रूरत होती है। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आपके जो भी शुभचिंतक हैं, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, जिनसे भी आप लोगों को आपका इंटरेक्शन होता है, अगर आपको कोई फीडबैक देते हैं, अगर आपको कोई सलाह देते हैं, तो उसका बुरा कभी भी ना मनाइएगा। उस बात पर ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने क्या बात टोकी है, और उसको उस पॉइंट पे इम्प्रूव करने का प्रयास कीजिएगा। यदि केवल इतना भी आप करेंगे और जो मैंने घर में चेंजेस बोले हैं वो करेंगे, तो आपको करियर में भी, व्यापार में, और आपके शादीशुदा जीवन में, तीनों जगहों पे आपको मदद होगी जी। कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है, स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन लाएंगे तो जीवन स्वतः ही सरल और सुलभ हो जाएगा। एक बार फिर से बता दें, यदि आपके भी जहन में कोई प्रश्न है, कार्यक्रम से जुड़ी कोई क्वारीज हैं, एक्सपर्ट्स की राय लेना चाहते हैं, नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारी ईमेल आईडी साथ ही साथ नंबर्स आ रहे हैं, आप जल्दी से उन्हीं नंबरों पर संपर्क करके विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं। पहली मेल जो जुड़ी है वो सोनिया जी की मेल है। सर, मेरा नाम सोनिया है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26/1/1989। मेरे
फियांसे का नाम साहिल है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 13/12/1987, मतलब 13/12/1987। तो मेरा सवाल ये है कि हम दोनों की लाइफ शादी के बाद कैसी रहेगी, पहला प्रश्न बताएं। सोनिया जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये न्यूमरोलॉजी का मैं कहता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है कि हम लोगों को सही गाइडेंस दे पाए रिलेशनशिप के ऊपर और किस जगह पे संबंध बनाने हैं और कहाँ पे नहीं। तो आपने जो डेट अपनी और अपने फैंसे की बताई है, इससे रिलेटेड इसका हम एनालिसिस करें तो ये डेट आपके फैंसे और आपकी कुछ चीज़ें आपकी मैच करती हैं। आप दोनों ही फन लविंग हैं, आप दोनों ही एक अच्छा खुशनुमा जीवन, इस तरह का स्वभाव है आप लोगों का, लेकिन आपकी नेचर भी मैच करती है। लेकिन मैं कहूँगा कि एक होता है मतभेद और एक होता है मनभेद। मनभेद नहीं है लेकिन मतभेद ज़रूर रहेंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप लोगों की डेफिनेटली रहेगी और जितना आप लोग नज़दीक आएंगे ये डिफरेंस उतना बढ़ जाएगा। तो इस रिलेशनशिप को सफल बनाने के लिए मैं एक दो चीज़ आपके लिए कहना चाहूँगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो फियांसे हैं वो एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, उनके लिए घर परिवार उनकी लाइफ में प्रायोरिटी रहेगा। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको उनको उनका एक स्पेस देना है। जब भी वो अकेले रहना चाहे, जब भी वो उनको ये लगे कि मेरे को अपना स्पेस चाहिए, तो आपको वो स्पेस उन्हें प्रोवाइड करना है, उसको इंट्रूड नहीं करना, उसमें अंदर नहीं जाना है। ये एक बात का ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही एक दो चीज़ें और करनी है कि शादीशुदा जीवन जब शुरू करेंगे, जिस घर में रहेंगे, तो वहाँ पर दक्षिण दिशा में आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए और दक्षिण दिशा में आप लोगों की किचन भी नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट साउथ वेस्ट, साउथ में और वेस्ट में, दोनों ही दिशाओं में आप लोगों की किचन नहीं होनी चाहिए। आइडियली आप लोग नॉर्थ वेस्ट दिशा में अपनी किचन बना सकते हैं। इन पॉइंट का ध्यान रखिएगा तो शादीशुदा जीवन एक बहुत अच्छे रूप में चलता रहेगा। छोटी मोटी तकरार तो हर जीवन में होती हैं, वो प्यार को बढ़ाने वाली हैं, बाकी बड़ी कोई बात नहीं है। इसलिए आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। हम सब की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जी। और थोड़ी सी खटपट भी होनी ज़रूरी है वरना लाइफ जो है नीरस हो जाती है, मज़ा नहीं आता। कॉलर भी लेना चाहेंगे, मनीष जी जुड़े हैं चंडीगढ़ से हैं। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, बताइए क्या प्रश्न, क्या सवाल है आपका? मेरा नाम मनीष है, मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है जी, और उसमें ग्रोथ नहीं आ रही है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22/6/1993 जी, बताए नितिन जी। मनीष जी, ज्वेलरी के कारोबार में ग्रोथ नहीं आ रही है। आपके नंबर्स, आपने जो डेट ऑफ बर्थ बताई है, ये ज्वेलरी के बिजनेस को सपोर्ट करती है। इसमें ऐसा कोई नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई दोष नहीं है। आपको ज्वेलरी के बिजनेस में आपको ग्रो करना है तो एक दो चीज़ों का एक जनरल आप ध्यान रखिएगा कि आपके जो शोरूम हैं, आप जिस जगह पर बैठ के व्यापार करते हैं वहाँ पे साउथ ईस्ट की तरफ में डिस्प्ले मिरर्स या किसी भी किस्म के शीशों का उपयोग ना किया गया हो। लुकिंग ग्लासेस जो होते हैं उनका उपयोग साउथ ईस्ट की तरफ या साउथ की तरफ नहीं हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यदि वो है तो वहाँ से उनको हटा के दूसरी दिशा में आपको लगाने की ज़रूरत है। एक बात तो आप ये करेंगे और दूसरी बात, आपके घर में भी अगर साउथ ईस्ट की तरफ आपने स्टोरेज बनाई है तो वो स्टोरेज आपको हटानी पड़ेगी, या वहाँ पर अगर कोई टॉयलेट है तो टॉयलेट को आपको वहाँ से हटा लेना ही बेहतर है, या फिर वहाँ पर आप कोई लाल रंग का गमला या लाल रंग के फूल लगा सकते हैं, या वहाँ पे एक छोटा लाल रंग का एक रेड लाइट, एक 15 वाट का बल्ब आप वहाँ पे जला सकते हैं। ये उपाय करने से आपके ज्वेलरी बिजनेस में आपको डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट फील होगा जी। कई बार सभी चीज़ें बहुत परफेक्ट होती हैं, सभी चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन फिर भी दिक्कतें, परेशानी आ जाती हैं। कई बार कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपके भी समक्ष आए होंगे तो हम चाहेंगे उनके विषय में भी आप ज़रूर कुछ बताएं, वो लोग क्या कुछ विशेष करें। मौलिका जी, एक जनरल बात है कि समय एक जैसा नहीं रहता है। कोई भी व्यक्ति, हम लोग वास्तु कंप्लाइंट घर डिज़ाइन करते हैं और घर में जो लोग रहते हैं तो सब चीज़ें वास्तु अनुसार होती हैं, लेकिन समय के अनुसार परिवर्तन आता है। कोई व्यक्ति कोई सामान ला के रख देता है या कोई कर्म ऐसे करते हैं कोई व्यक्ति जिसके कारण कोई प्रभाव आता है, तो बेहतर बात तो यह है कि यदि आपको उस विषय का ज्ञान है, अगर आपको पता है, आप थोड़े से अवेयर हैं कि आपने किस समय पे क्या काम किया, क्या चेंजेस किया, अगर एक छोटा सा भी आपके माइंड में उसका रिकॉर्ड है तो चीज़ों को पकड़ना सरल हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर कोई भी चेंज आया है तो उसका उपाय करने की ज़रूरत होती है। तो नॉर्मली ये उपाय, इस तरह का जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, कई बार आती हैं जो हमारे पास, वो होती हैं कि भाई
अचानक से कुछ टाइम से ऑर्डर आने बंद हो गए हैं, बिजनेस चल रहा है और ऑर्डर आने बंद हो गए हैं, और इसके लिए जनरली इसका जो रीज़न हमें नज़र आता है अक्सर करके वो ये आता है कि जैसे दिवाली के समय पे आपने कोई रंग रोगन चेंज करा लिया घर का, या आपने कोई बाहर से गिफ्ट ला के, या कोई पर्टिकुलर चीज़ आपने कोई स्कल्पचर कोई गिफ्ट आइटम कुछ भी ला के आपने पर्टिकुलर डायरेक्शन में रख दिया, आपने खरीद के रख दिया कि दूसरों को गिफ्ट करेंगे, या आपने आपको किसी ने गिफ्ट किया और आपने लाके उसको इंस्टॉल कर लिया, तो हर चीज़ का एक प्रभाव आता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वो हमने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, या हमने क्या अपने अंदर चेंजेस किए हैं, किस लेवल पे चेंज किया है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि नाम के अंदर परिवर्तन है वो भी असर देता है। हमारे अनुभव में आता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आपने मोबाइल चोरी हो गया या मोबाइल किसी कारण से आपको चेंज करना पड़ा और वो पुराना डेटा लॉस्ट हो गया, और नई आपने जब कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई तो कुछ लोगों के नाम आपने स्पेलिंग ऑल्टर कर दिए। ये छोटा सा परिवर्तन कहने में है कि नाम चेंज करा मोबाइल के अंदर, लेकिन उस व्यक्ति से आपके संबंध, और यदि वो ग्राहक था और पता लगा कि अचानक ही उसने आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, या आपसे उसकी किसी बात के ऊपर खटपट हो गई और सारा वो बिजनेस उसके साथ डिस्टर्ब हो गया, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और अगर हम इनके प्रति जागरूक हैं, अगर हमें पता है कि ये भी असर दे सकती हैं, तो हम उसको वापस पुराने लाइन पे ला के उसको ठीक कर सकते हैं, और नहीं तो किसी विशेषज्ञ की सलाह से उसको पकड़ में लाया जा सकता है, जो पहले रूट कॉज को आइडेंटिफाई करे कि ये प्रॉब्लम हुई कहाँ से है, और फिर अगर उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ें ठीक हो जाए। कहा जाए पहले कारणों को जानने की आवश्यकता है, तभी उपाय तक पहुंचे। बिल्कुल। एक बार फिर से बता दें कि यदि किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लग पाया हो इस कार्यक्रम से जुड़ी, आपकी कोई क्वारीज हो, कोई सवाल हो, जहन में कोई प्रश्न हो, आप संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में हमारा ईमेल आईडी और साथ ही साथ नंबर आ रहे हैं, आप तुरंत उन्हीं नंबरों पर संपर्क करके विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे तमाम समस्याओं के समाधान के साथ। नितिन जी, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।